है सका हा चित्रपट 17 नोव्हेंबरला सर्वत्र प्रदर्शित होत आहे. दिल जो कह ना सका हा पिक्चर येणाऱ्या 17 नोव्हेंबरला आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या पिक्चरचे कलाकार आपल्यासोबत आहे, कलाकार हिमांश आणि प्रिया. प्रिया मॅम आणि हिमांश जी, सर्वात प्रथम तुम्हाला या पिक्चरसाठी खूप खूप शुभेच्छा. जाणून घेऊया आपल्या या ज्या पिक्चर तुमचा येतोय त्याचा कॅरेक्टर, तुमचा रोल काय आहे. जो हमारी फिल्म आहे दिल जो ना कह सका, उसके अंदर जो मेरा कॅरेक्टर आहे वो जय का कॅरेक्टर आहे. जय का किरदार मैं निभा रहा हूँ. और जय एक घरेलू लड़का है, बहुत सिंपल है और सबका चहेता है. सब उससे बहुत आकांक्षाएं रखते हैं कि वो कुछ बड़ा बनेगा लाइफ में. मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उससे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन जय बचपन से बड़ा हुआ है सिया के साथ में और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, उसको अपना सब कुछ मानता है. और एक समय आ जाता है जब बड़े होकर उसे लगता है कि जय को सिया से प्यार है, तो उसका इजहार करने में थोड़ा सा संकोच कर लेता है, डर जाता है और इसी सिचुएशन के ऊपर में बहुत गड़बड़ करने लग जाता है. तो उन गड़बड़ों से निकलने के लिए, उन गड़बड़ों से सुलझने के लिए जय को क्या क्या करना पड़ता है, इसमें पूरी फिल्म दिल जो ना कह सका का प्लॉट है. पिक्चरची अभिनेत्री प्रिया आपल्यासोबत आहे. प्रियाकडून जाणून घ्या की तिचा या पिक्चरचा रोल काय आहे. सिया का रोल क्या है? मैंने पहली बार महाराष्ट्र में बात करी हो तो वहाँ. सिया इज बेसिकली छोटे शहर की लड़की है, शिमला की लड़की है. फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिया के लिए. जय बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत एम्बिशियस है. बट उसको बैलेंस करना आता है लाइफ में. एम्बिशियस और फैमिली के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए, आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दैट बैलेंस, एंड दैट्स व्हाट सिया बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करती है. बट शी लाइक्स जय एज वेल, जय को पसंद करती है, प्यार करती है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता है कि वो जय को पसंद करती है. जय को पता है कि जय सिया से प्यार करता है, लेकिन जय डर जाता है कि अगर मैंने सिया को बता दिया तो शायद सिया मेरी दोस्त छोड़ ना दे. सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस हैव इन आवर लाइफ एज यंगस्टर्स. हम बहुत डरते हैं ये बताने के लिए, बताने से डरते हैं कि हम प्यार करते हैं, बिकॉज वी आर स्केयर्ड कि हम उस इंसान को खो देंगे. एंड दैट्स द फियर आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू सर्टेन एक्सटेंट. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म, दैट इज़ वेरी रियल. इट्स डीलिंग विद द रियल इमोशंस एंड इश्यूज ऑफ द यंगस्टर्स दैट वी ऑल आर इन टुडेज़ वर्ल्ड. एक तरह की तरह से देखा जाए तो स्टोरी जो है वो लव स्टोरी के ऊपर डिपेंड करती है. लव स्टोरी है, किस तरह की स्टोरी है, लोगों को मतलब किस तरह वो भाएगी, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा. रोल के बारे में तो आपने बताया, लेकिन स्टोरी किस तरह सी है? स्टोरी एक सिंपल सी लव स्टोरी है. इस स्टोरी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी सादगी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के दिनों में बहुत ज़्यादा मिसिंग होती जा रही है हर बीतते साल के साथ में, ये एक फैमिली फिल्म है. फैमिली फिल्म जो दादा दादी से लेके जो पोते हैं, बच्चे होते हैं, सब इस फिल्म को साथ में बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं. और ये आपको कहीं ना कहीं हंसाएगी, थोड़ा सा बीच में डेफिनेटली रुलाएगी, क्योंकि जहाँ फैमिली होती है वहाँ इमोशंस होते हैं. तो इमोशंस में अगर हंसना और रोना ना हो तो वो पूरी नहीं होती है. और इस फिल्म के अंदर में इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए और प्यार करने वालों की ये कहानी है जो हर एज के लोग इसे कनेक्ट करेंगे. इस फिल्म के अंदर में बहुत सारे डायलॉग्स हैं. ट्रेलर के अंदर में भी एक डायलॉग है जब वो उससे बोलता है कि लास्ट में अकेला तो मैं, जब प्रिया का डायलॉग, सिया का डायलॉग आता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकूंगी, अकेली हो जाऊंगी, तो जस्ट उसके बाद में एक बहुत ही इमोशनल सा एक डायलॉग आता है जब जय उससे बहुत इमोशन से बोलता है कि अकेला तो मैं हो जाऊँगा तेरे बिना, यहाँ सबके साथ नहीं हूँ और तू ही है जो मेरे साथ है, तेरे बिना यार सब अधूरा है. मैं तेरे बिना जी तो जाऊंगा पर जी नहीं पाऊंगा. ये बहुत सारे बैक टू बैक डायलॉग्स हैं. ऐसा नहीं, वेरी रियल रियल इमोशंस इन रियल. आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एज सच दैट वाज लाइक, देख तो है जो ट्रेलर में है कि यू नो व्हेन हमारे दोस्त हमेशा हमें चिढ़ाते रहते हैं,
कि तुम दोनों पार्टनर्स है, लव बर्ड जो तुम दोनों सबको पता है कॉलेज में, देन ऐसे वैसा वाला प्यार नहीं है हमारा, हम तो पार्टनर्स है लव बर्ड्स नहीं. सो इट्स जस्ट लाइक इट्स अ वे दे आर डिलीवर्ड रादर देन द डायलॉग्स इटसेल्फ. आप फिल्म देखेंगे तो देखिएगा कि इनकी केमिस्ट्री एज कैरेक्टर्स, आप जय एंड सिया देखेंगे, जिस तरह से जय सिया को बुलाता है, जिस नाम से वो बुलाता है, सिया जिस तरह से जय के ऊपर अपना एक हक समझती है, और बहुत प्यारा से एक अच्छा सा बॉन्ड है, बहुत सादगी है इस बॉन्ड के अंदर भी, एक ऐसा प्यार है जिसे सब लोग बहुत लाइक करेंगे और जिसे कनेक्ट करेंगे, जिसे आप रिलेट कर सकेंगे. तो सभी व्यूअर्स को हम एक छोटी सी अपील देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी फिल्म दिल जो ना कह सका 17 नवंबर को रिलीज हो रही है, आप अपनी फैमिली के साथ आइए और फ्रेंड्स के साथ आइए, और इसी फ्राइडे रिलीज हो रही है, तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, सभी फ्रेंड्स को बताइए, व्हाट्सएप पे भी बताइए, हर जगह बताइए कि फ्राइडे हम दिल जो ना कह सका देखने जा रहे हैं, दिल जो ना कह सका दिस फ्राइडे, एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, यू डेफिनेटली गोना फॉल इन लव. अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे इजहार नहीं कर पाए, या किसी को इजहार करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसे एक टिकट दीजिए और हॉल में लेके आ जाइए, बाकी तो का सारा काम हो जाएगा, हमारी मूवी आपके लिए इजहार कर देगी और आपको तरीके भी बताएगी. जी हाँ, यू लव रोमांस है, यू लव बीइंग, जब आप सिनेमा हॉल में होंगे तो आपको वो जो लव वाली फीलिंग है वो भी बहुत अच्छी लगेगी.